गाइस अगर आप यहां पर जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं गाइस, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा गाइस, दोनों ही प्रोसेस यहां पर वर्किंग है। दोनों ही तरीके की मदद से आप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को काफ़ी आसान तरीके से डिलीट कर पाओगे। डिलीट कैसे करना है गाइस अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद में आपको नीचे अपने कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स पर क्लिक करना है। अकाउंट्स पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो अभी गाइस आपको करना क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि दो तरीके की मदद से मैं आपको अकाउंट को डिलीट करके दिखाऊंगा, वो भी परमानेंटली गाइस। अगर आप अपने अकाउंट को टेम्प्रोपरी भी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस हमें सबसे पहले करना क्या होगा गाइस कि यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स देखने को मिल रही होगी, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी देखने को मिलेगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, अभी गाइस दो प्रोसेस है, तो पहले मैं आपको ओल्ड प्रोसेस बताता हूँ गाइस, अभी न्यू प्रोसेस के अंदर भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है गाइस। स्क्रॉल करने के बाद में गाइस वो पुरानी ही प्रोसेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें भी गाइस कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना होगा। अभी आपको यहाँ पर गाइस नीचे तक स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको आ जाना है गाइस कि मोर इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट। तो इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प वाला, तो आपको हेल्प पर क्लिक करना है। हेल्प पर आप जैसे क्लिक करोगे पांच ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक हेल्प सेंटर करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर हेल्प सेंटर जो है गाइस ओपन हो जाएगा। पहले गाइस यहाँ पर भी देखने को मिलता था डिलीट वाला ऑप्शंस, लेकिन अभी कुछ चेंज कर दिया है, तो कुछ डिफरेंट जगह पर यहाँ पर वो है। तो अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना है इन थ्री लाइंस पर। यहाँ पर थ्री लाइंस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। नया पेज में गाइस अभी आपको यहाँ पर पाँच ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि मैनेज यूअर अकाउंट, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर चार पाँच ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑप्शन हमारे सामने शो कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं ऑप्शंस में से गाइस एक ऑप्शन हमें यहाँ पर शो कर रहा है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस, ये वाला ऑप्शंस कि डिलीट योर अकाउंट। तो इस वाले ऑप्शंस की मदद से ही हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करेंगे। तो आपको डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है गाइस। उसके बाद में लोडिंग लिया जाएगा। ये भी हमारे सामने दो तीन ऑप्शन यहाँ पर शो हो चुके हैं। पहले में गाइस टेम्प्रोपरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, और सेकंड पर है यहाँ पर डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो गाइस हम अकाउंट को तो डिलीट करना ही चाहते हैं, लेकिन आपको सेकंड वाली ऑप्शंस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर सेकंड वाली ऑप्शंस पर क्लिक करोगे यानी कि हमेशा के लिए डिलीट करने वाला, तो गाइस वहां पर हमें डिलीट वाला ऑप्शंस नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है गाइस कि आपको यहां पर टेम्प्रोपरी जो डीएक्टिवेट है आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉट फॉलो दिस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यू लाइक टू डिलीट यूर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अभी आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। ऊपर हमारा जो टाइटल है गाइस वो यहाँ पर शो कर दिया है कि डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अभी आपको यहाँ पर नीचे किसी पर क्लिक नहीं करना है, बस आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है गाइस वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड्रॉइड एप्स एंड हेल्प, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इसमें चार पाँच ऑप्शन इसमें शो कर रहे हैं, तो आपको सिंपली गाइस यहाँ पर मोबाइल ब्राउजर हेल्प वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी शो कर रहा है गाइस कि अगर आप टेम्प्रोपरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन हम टेम्प्रोपरी डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं, हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हमें कि टू रिक्वेस्ट टू परमानेंट डिलीशन ऑफ योर अकाउंट फ्रॉम योर मोबाइल ब्राउजर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि डिलीट योर अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, जैसे कि ऊपर इंस्टाग्राम शो कर रहा है, इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, योर अकाउंट शो कर रहा है और डिलीट योर अकाउंट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है कि अगर टेम्प्रोपरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल गाइस हमें एक रीज़न देना होगा कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर डिलीट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। काफ़ी सारे रीज़न इसमें यहाँ पर शो कर जाएंगे, तो जिस भी रीज़न की वजह से आप इसे डिलीट करना चाहते हैं वो रीज़न आपको चूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्रिएट ए सेकंड अकाउंट कर लिया है। उसके बाद में गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे कि री इंटर योर पासवर्ड। गाइस यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना ही है। अगर आप पासवर्ड आपको नहीं पता
तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट की जो रिक्वेस्ट है गाइस डिलीशन की, वो वहाँ पर पहुँच जाएगी कस्टमर केयर के पास। अगर यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर एक डेट हमें मेंशन की हुई है गाइस। यहाँ पर जो 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर लिया, तो वहाँ पर जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो डिलीट होगा गाइस वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन गाइस 30 डेज़ के बाद अगर हमने 30 दिनों तक इसे यहाँ पर जो है गाइस लॉगिन नहीं किया कहीं पर भी ये अपने मोबाइल ब्राउज़र में, तो गाइस ये अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर हमने कहीं पर भी लॉगिन कर लिया तो जो डिलीट की रिक्वेस्ट है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दिए गाइस। अभी सेकंड इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर बैक आ जाना है, आपको गाइस यहीं पर आ जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पर। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आप जैसे ही आ जाओगे, अभी न्यू ऑप्शन है गाइस और ये ट्रिक आपको सिंपल भी लगेगी। तो यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट सेंटर, आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। ये सेकंड ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। अभी सेकंड ट्रिक में आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह से पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, कनेक्टेड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, अकाउंट्स, पर्सनल डिटेल्स और यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो इनमें से गाइस आपको क्लिक कहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स करके, तो आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पर नीचे करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो कर रही है और मेरी बर्थ डेट शो कर रही है। लेकिन इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस कि अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख ही पाओगे गाइस कि हमारे सामने क्या ऑप्शन शो हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो डीएक्टिवेशंस और डिलीशन, टेम्पररी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट यूर इंस्टाग्राम, मतलब अकाउंट, इंस्टाग्राम नहीं शो कर रहा है लेकिन अकाउंट शो कर रहा है, एंड प्रोफाइल्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका अकाउंट शो हो जाएगा, तो आपको अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अभी दो ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं गाइस, ये सिंपल प्रोसेस भी है, तो यही प्रोसेस आप कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेम्पररी डीएक्टिवेट है, नीचे वाला ऑप्शन जो है परमानेंट के लिए डिलीट है। परमानेंट अगर डिलीट कर दोगे तो जो भी आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में फोटोज, वीडियोस, पोस्ट जो की होंगी गाइस, लाइक, डिसलाइक, आपके कमेंट्स वगैरह या आपके फॉलोअर्स, वो सारे डिलीट हो जाएंगे गाइस। लेकिन अगर परमानेंट भी डिलीट कर देते हो और 30 दिन के अंदर इसे आप दोबारा से रिकवर करना चाहते हो तो लॉग इन करके रिकवर कर सकते हो, लेकिन गाइस 30 दिन के बाद ये रिकवर नहीं होगा। तो आप गाइस सोच समझ कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कीजिए। उसके बाद में अगर टेम्पररी डीएक्टिवेट करोगे तो फिलहाल आपकी प्रोफाइल हाइड हो जाएगी, उसके बाद में जब भी आप चाहो तब इसे आप दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हो। गाइस ये आपके हाथ में है कि आप जो है डिलीट करना चाहते हैं या टेम्पररी डिलीट करना चाहते हैं, तो दोनों आप देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर आपको टेम्पररी डिलीट करके नहीं दिखाऊंगा, परमानेंट डिलीट करके दिखाऊंगा। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन पर यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक लगाऊंगा, नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा तो कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। एक रीजन हमें देना होगा कि हम जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो रीज़न है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ गाइस, तो मैंने यहाँ पर अपना रीज़न सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर गाइस आपको दोबारा से कंटिन्यू करना होगा कि आप वाकई में इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हाँ गाइस हम यहाँ पर इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन मेरे सामने आया है कि पासवर्ड वाला, वहाँ पर भी पासवर्ड पूछा था, यहाँ पर भी पूछा है, पासवर्ड पूछेगा ही गाइस आपसे, क्योंकि हर कोई आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर सकता है ये प्रोसेस करके। तो यहाँ पर आप ही डिलीट करना चाहते हो तो आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पासवर्ड अगर भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो। पासवर्ड में एंटर करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पर आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, मैंने पासवर्ड भी एंटर कर दिया गाइस, फिर भी कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि आप वाकई इसे डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर रखा है गाइस। यहाँ पर जो 17 अगस्त 2023 है, अगर उससे पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लिया तो अकाउंट जो है डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बाद तक मैंने लॉगिन नहीं किया तो गाइस मेरा अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा। बस अभी मेरे को एक ऑप्शन यहाँ पर प्रेस करना है, जो आप यहाँ पर देखोगे कि डिलीट अकाउंट, नीचे कैंसिल वाला ऑप्शन भी आ चुका है। अगर गलती से डिलीट हो रहा है यहाँ पर, बस प्रोसेस देखना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। एक ही प्रोसेस में आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट करके भी दिखा देता हूं गाइस आपके लिए। मैंने डिलीट पर क्लिक किया, थोड़े टाइम वेट करेंगे और देखते हैं गाइस कि कैसा ऑप्शन हमारे सामने शो होगा। अकाउंट डिलीट हो चुका है गाइस। मेरे इंस्टाग्राम में दो अकाउंट यहाँ पर लॉगिन थे, जैसे ही मैंने वो प्रोसेस की तो मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है गाइस। इसी तरीके से जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताई है 100% वर्किंग है।
दोनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस आप कीजिए गाइस जो आपको सिंपल लगे या सरल लगे, और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा गाइस। लेकिन उसे 30 दिन के अंदर अगर रिकवर करना चाहते हो तो रिकवर भी हो जाएगा। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।